नमस्कार, मैं ऋतु ठाकुर आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल recipeslive.com में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदा बर्फी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैदा बर्फी बनाना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है और सभी इन्ग्रीडियंट्स मैंने सेम बाउल से मेज़र किए हैं। हाफ़ कटोरी मैंने लिया है देसी घी, चुटकी भर मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर लिया है, आप कोई भी पसंद के ले सकते हैं कलर। 6 से 7 मैंने काजू लिए हैं बीच से कट करके, और हाफ़ बाउल मैंने पानी लिया है और 1 बाउल मैंने चीनी ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैन लेंगे और पैन में हम देसी घी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम मैदे को थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा। घी मेल्ट हो चुका है, अब मैदा डाल रहे हैं इसमें। फ्लेम लो रखेंगे हम और बस इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम लो में ही हम मिक्स कर लेंगे। बस हमें मिक्स करना है, भूनना नहीं है, ना ही कलर चेंज करना है इसका ज़्यादा। तो बस हमें इतना ही करना था। मैदे को घी में अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, फ्लेम लो रखा था। तो उसके बाद मैं अब चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो चीनी डाल देंगे सबसे पहले कढ़ाई में, पानी डाल देंगे। 1 कटोरी चीनी थी और आधी कटोरी मैंने पानी लिया था। तो चाशनी तैयार कर रहे हैं, चेक करते हैं। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी तैयार करनी है, तो चेक कर लेंगे। तो देखिए 1 तार आ चुकी है। तो बस इससे ज़्यादा हमें चाशनी नहीं तैयार करनी थी। तो अब इसमें जो मैदा था वो डाल दिया है मैंने, फूड कलर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। फ्लेम लो रखेंगे, अब हमने फ्लेम लो कर दिया है। तो अच्छी तरह से हमने जमने की कंसिस्टेंसी तक लगातार मिक्सचर को चलाया है। और बस उसके बाद हम प्लेट लेंगे और उसे ग्रीस कर लेंगे। तो घी लगा दिया है मैंने प्लेट पर, इससे क्या होगा कि जब हम बर्फ़ी कट करेंगे तो ईजिली कट हो जाएंगी। उसके बाद में जो मिक्सचर था वो डाल देंगे। प्लेट में डालने के बाद में सेट कर लेंगे। और ये जो प्रोसेस है आप थोड़ा जल्दी करिएगा, नहीं तो जो बाद में हमें बर्फियाँ कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो अब डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर काजू लगा रही हूँ ऊपर से। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आपको वो यूज़ कर सकते हैं। तो काजू मैंने लगा दिए हैं, तो अब हम बर्फ़ी कट कर रहे हैं। तो बर्फ़ी को ध्यान से कट करेंगे हम। तो हमारी जो मैदा की बर्फ़ी है वो बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है, पीछे से भी बिल्कुल परफेक्ट है बर्फ़ी हमारी। तो हमारी अगर मैदे की बर्फ़ी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।